केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समान नागरिक संहिता UCC को लेकर रविवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सत्ता में आने पर सभी पक्षों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद अगले 5 वर्ष के भीतर पूरे देश में UCC लागू कर दी जाएगी। शाह ने PTI को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगली सरकार अपने अगले कार्यकाल में एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि देश में एक साथ चुनाव कराने का समय आ गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने में भी खर्च कम होता है। चुनाव को सर्दियों या साल के किसी अन्य समय में आयोजित करने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर शाह ने कहा, इस पर विचार किया जा सकता है। अगर हम कोई एक चुनाव प्रीपोन यानी निर्धारित समय से पूर्व कराते हैं तो यह किया जा सकता है, यह किया भी जाना चाहिए। यह छात्रों की छुट्टी का समय होता है, यह बहुत सारी समस्याएं भी पैदा करता है। समय के साथ चुनाव धीरे धीरे इस अवधि में होने लग जाएंगे। समान नागरिक संहिता के बारे में बात करते हुए शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता एक जिम्मेदारी है जो हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा स्वतंत्रता के बाद हमारी संसद और हमारे देश के राज्य विधानसभाओं पर छोड़ी गई थी। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि संविधान सभा के हमारे लिए जो मार्गदर्शक सिद्धांत तय किए थे उनमें समान नागरिक संहिता शामिल है। और उस वक्त भी KM मुंशी, राजेंद्र बाबू, अम्बेडकर जी जैसे कानूनवादियों ने कहा था कि पंथ निरपेक्ष देश के अंदर धर्म के आधार पर कानून नहीं होना चाहिए, एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा ने उत्तराखंड में एक प्रयोग किया था क्योंकि वहां बहुमत की सरकार है। हालांकि उन्होंने इस बार पर जोर देते हुए केंद्र के साथ यह राज्यों का विषय है। शाह ने कहा कि मेरा मानना है कि समान नागरिक संहिता एक बड़ा सामाजिक, कानूनी और धार्मिक सुधार है। उत्तराखंड सरकार की ओर से बनाए गए कानून की सामाजिक और कानूनी जांच होनी चाहिए, धार्मिक नेताओं से भी सलाह ली जानी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे कहने का मतलब है कि इस पर एक व्यापक बहस होनी चाहिए। इस व्यापक बहस के बाद उत्तराखंड सरकार की ओर से बनाए गए मॉडल कानून के कुछ परिवर्तन करना होगा या नहीं तय किया जाना चाहिए, क्योंकि कोई न कोई कोर्ट में जाएगा ही जाएगा। न्यायपालिका का अभिप्राय भी सामने आएगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद देश के विधानमंडलों में और संसद में इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए और हाँ, कानून जरूर बनना चाहिए। इसलिए हमने इसे अपने संकल्प पत्र में रखा है। भाजपा का लक्ष्य है कि पूरे देश के लिए समान नागरिक संहिता हो। खबरी चौखट की रिपोर्ट।